है कि तमाम यूट्यूबर्स एक अफवाह फैला रहे हैं आप लोगों के बीच में, और इस बात को लेकर के अफवाह फैला रहे हैं कि 9 अगस्त को तारीख लगी है। तो मैं तमाम साथियों को बताना चाहूँगा, आप सभी को आगाह करना चाहूँगा कि 9 अगस्त की कोई डेट की बात नहीं है मित्रों, यह एक अफवाह है। 9 अगस्त, 9 अगस्त चिल्ला रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ बहुत साफ तौर पर कि 9 अगस्त को बीएड 50% से कम अंक हासिल करने के बावजूद किया था, उनको जूनियर शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका नहीं दिया गया था, उस लड़ाई को लेकर के है। तो आप सब इस बात से तनिक भी चिंता ना करें, युवा मंच टीम आपके साथ है। और जो ये सप्ताह है अर्थात सोमवार को याचिका पड़ेगी, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को आपको सुनवाई होनी है, तो आप इसमें निश्चिंत रहें, किसी के बहकावे में नहीं आना है और किसी के गुमराह करने में नहीं होना है। मेरा मोटो बहुत साफ है और बहुत ही स्पष्ट है कि मैं किन मुद्दों को लेकर के माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होऊंगा। पहला मोटो मैंने पहले वीडियो में कई बार बताया है कि परीक्षा विज्ञापन के आधार पर जिस तरीके से मंडल में अक्षरशः लिखा गया है कराया जाएगी परीक्षा, तो उसी तरीके से मंडल स्तर पर परीक्षा कराने की मैं बात कर रहा हूँ। मंडल स्तर पर परीक्षा इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि तदर्थ शिक्षकों का बोलबाला उत्तर प्रदेश के कई जिलों में है, और मैंने @ युवा मंच 2021 टेलीग्राम ग्रुप में उसको डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि सुल्तानपुर की गलियों में जितने भी विद्यालय हैं सभी में तदर्थ शिक्षक हैं, वो तदर्थ की लिस्ट हमने आपको भेजा है, और जैसे ही हमारे पास तमाम लिस्ट प्रोवाइड होती जाएंगी वैसे ही हम आप लोगों के बीच में भेजते जाएंगे। तो हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें आपको एक सुरक्षित नौकरी की बेहद आवश्यकता है, इस बात को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप UP SSC पैट की तैयारी इन कम समय में करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट चाहिए, जो कि चक्षु प्रकाशन आप लोगों के परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस पेपर लेकर आया है। और ये काफी अच्छी बुक है दोस्तों। इस बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये बुक एक्सपर्ट के साथ तैयार की गई है और आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार प्रश्न तैयार किए गए हैं, जो कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी और पूरे क्वेश्चन को बेहतर व्याख्या के साथ आपको ये बुक मिल रही है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग को इस बुक को जरूर परचेज करें। दोस्तों, इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और आप चाहे इस बुक को घर बैठे भी मंगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहां से आप घर बैठे इस बुक को मंगा सकते हैं। तो ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आप इसको जरूर परचेज कर लीजिए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। साथ ही चक्षु प्रकाशन की गाइड भी आपको मिल जाएगी, अगर आपको गाइड भी लेनी है तो आप पूरी गाइड भी ले सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी इस बुक को खरीदिए और अपनी सरकारी नौकरी पक्की करिए। पेड़ एक हिंदी का शब्द है, उस तरीके से मैं लगा हूँ, और 90% मामला मेरे पक्ष में है। अब ईश्वर ही रूठा हो तो उसको क्या कहा जा सकता है। आप सभी से आग्रह है, आप सभी से निवेदन है, हाँ, जो यूट्यूबर अफवाह फैला रहे हैं कि 9 अगस्त को डेट लग गई है, यह टोटली गलत है, इसमें नो डाउट। बताया था भैया 70-80 हजार, अंग्रेजी कल ही बता दिया था। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखा करिए, उसको शेयर किया करिए, जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, तो आपको सूचना मिलती रहेगी।